हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हैं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज का ये मेरा डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इवनिंग में आज मैंने अपने लिए टाइम निकाला और बालों को मैंने ऑयल लगाया है। और ये मतलब मैं देखिए ना एकदम हैवी ऑयलिंग करती हूँ ना मीडियम, लेकिन एक बार वीक में करती हूँ तो काफ़ी अच्छे से मैं हैवी ऑयलिंग जैसा ही करती हूँ। तो मैं कैसे ऑयलिंग कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे। और ऑयलिंग शाम के टाइम ही करती हूँ क्योंकि मैं अपने बालों को शाम के टाइम ही वॉश करती हूँ। तो देखिए मेरा ये व्लॉग, बने रहिए। आगे भी क्या घर का काम है, जो भी कुकिंग है, ये सब करना है तो बने रहिए। वीडियो होने वाली है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो बने रहिएगा। चलिए मेरे साथ किचन में। अब हो गया है डिनर बनाने का टाइम। तो आज मैं डिनर में सिर्फ दाल राइस बना रही हूँ और जो भी दोपहर का जो बर्तन है ना, सब मैंने जो धो के रखा है तो वो मैं देखिए सबसे पहले मैं उसे जो ये तो मैं शाम को मार्केट से लेते आई थी आलू और टमाटर, तो वो जो भी बर्तन है सबको पहले मैं इसे जो गीले तो है नहीं क्योंकि सब सूख गए हैं, लेकिन तो फिर भी थोड़ा बहुत पानी रहता है ना, तो एक बार मैं उसे पोछे से पोछ लेती हूँ और फिर किचन टावल से। और उसके बाद में ना मैं सारे उसको ट्रॉली में रख देती हूँ। और गीला बर्तन रहेगा ना तो फिर कॉकरोच घर में ज़्यादा बढ़ और जाता है, तो इसीलिए मैं मतलब सब सूखा करके ही रखती हूँ ट्रॉली में बर्तन। और ये बास्केट मैंने खाली करके किचन काउंटर थोड़ा खाली कर दिया है क्योंकि ना किचन बहुत छोटा है तो काऊ भी रखा रहता, तो फिर बाकी हम लोग कहाँ से काम करेंगे। जो भी बर्तन सर्विस टेबल रहता है ना वो वाला जगह ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं दाल ये निकाल रही हूँ, दाल वॉश करूँगी, दाल भिगा के रखूँगी, चावल भिगा के रखूँगी। और जो भी बर्तन रहते हैं ना थोड़े बहुत, मैं तो सब दोपहर को धो के तभी चले खाली हो जाती हूँ, फिर उसके बाद से एक दो बर्तन घर में निकलते ही रहते हैं, तो बर्तन कितने सारे हो जाते हैं घर में। तो यहाँ मैं दाल भिगा के रख दूँगी और इसे एक बार थोड़ा सा उबाल लूँगी, फिर उसके बाद मैं फ्राई करूँगी दाल को अच्छे से। दाल फ्राई बनाने वाली हूँ। ये मेरा कुकर जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है मुझे, इसका मुझे दिखाना पड़ेगा या तो चेंज कराना पड़ेगा। तो ये देखिए बच्चे स्कूल से टिफ़िन पूरा का पूरा वापस लेके आ गए हैं, तो इसे फेंक दूँगी और बर्तन धो दूँगी। ये तो अभी बस खाना बनाने के पहले के बर्तन हैं। और फिर उसके बाद में बर्तन बर्तन धोते जाओ, और बर्तन जब तक सो नहीं ना तब तक घर में बर्तन निकलते ही रहते हैं, एक ना एक बर्तन। और बेसिन छोटी सी है तो पूरी भर जाती है ना दो चार बर्तन में ही, तो मैं दिन भर कितने बर्तन धोती रहती हूँ। बर्तन तन धो दिया। अब ये दाल को सारे मसाले डाल के ये कुकर में ही मैं मतलब कि एक बार उसे उबाल लूँगी, फिर उसके बाद फ्राई कर दूँगी। और चावल भी हो गया। तो ये मेरा डिनर था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना।